Hello, Let's see the question. When two tuning forks A and B are sounded together, 4 beats per second are heard. The frequency of the fork B is 384 Hz. When one of the prongs of the fork A is filed and sounded with B, the beat frequency increases. Then the frequency of tuning fork A is. क्वेश्चन में हमको गिवन है कि दो ट्यूनिंग फोर्क है, है हमारे पास ए और बी जब उनको एक साथ साउंड किया जाता है तो चार बीट्स पर सेकेंड साउंड हर्ड होता है फ्रीक्वेंसी तो है ट्यूनिंग फोर्क बी की वो गिवन है है हमको कितना 384 hertz. जब एक प्रोंग होता है, जो ट्यूनिंग फोर्क का उसको फाइल किया जाता है और बी के साथ साउंड किया जाता है तो बीट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रिक्वेंसी क्या होगी अब हम जानते हैं कि हमारा जो बीट फ्रिक्वेंसी होता है बीट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है जिसको मैं बी से कंसिडर करता हूँ वो होती है यहाँ पे न्यू ए माइनस न्यू बी कोई भी बड़ा हो सकता है अभी नहीं पता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है तो अभी हम देख रहे हैं कि ये बीट्स पर सेकंड की वैल्यू कितनी की है फोर ठीक है वी ए माइनस वी बी अब यहां से न्यू ए सॉरी ये क्या है न्यू ए माइनस न्यू बी न्यू ए की वैल्यू नहीं पता न्यू बी की वैल्यू कितनी की गिवन है यहाँ पे थ्री एटी फोर इक्व टू फोर अब यहां से अगर देखें हम तो ये हमारे इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है दो वैल्यू हो सकती है अगर ये प्लस रहा तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा मीन्स कितना हो जाएगा थ्री एटी हर्ट्स हो जाएगा और अगर ये यहाँ से इसकी नेगेटिव वैल्यू आई तो क्या हो जाएगा 388 एटी हर्ट्स हो जाएगा हमको नहीं पता है कि क्या होगा कि ये थ्री एटी होगा या थ्री एटी हर्ट्स होगा लेकिन क्वेश्चन में हमको गिवन है कि अगर ये ट्यूनिंग फोर के हमारा इसके जो एक प्रोम को अगर फाइल किया जाए तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ गिवन है ऑन फाइलिंग ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी of tuning fork A increases ये क्या हो रही है हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो सपोज हम ले लेते ले कि ये इंक्रीज होके कितनी हो गई यहाँ पे ये न्यू इंक्रीज होके हो, हो गई यहाँ पे कितना मान लेते कि ये 382 हो गई और ये दो दो का इंक्रीमेंट हुआ मान लेते क्या हुआ 390 हुई अब बी की जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है हमको कितना गिवन है यहाँ पे 384 एट्टी फोर यहाँ पे थ्री अब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना ये आएगा टू और यहाँ से कितना आ जाएगा सिक्स प्रीवियसली कितना की बन था हमको फोर किबन था अब इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है यहाँ तो इंक्रीज हो नहीं रहा है तो थ्री एटी टू थ्री एटी टू मीन्स ये थ्री एटी वाला तो हमारा आंसर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ इंक्रीज होके कितना हो गया ये सिक्स हो गया मीन्स अगर ए की फ्रिक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया आंसर क्या होगा हमारा थ्री एटी एट हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा दैट इज फ्रिक्वेंसी फोर्क ए इज इक्वल टू थ्री एट हो गया हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक